हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में, इन पहाड़ों के इन हसीन वादियों में। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ गौशाला बैलों को लेने, और आज भी हल लगाने जाएंगे हम। तो सुबह सुबह हल्का बहुत ठंड भी लग रही है यहाँ, और मौसम तो इस समय साफ़ है। कल रात करीबन के 9:30 बजे तक मौसम साफ हो गया था, तब तक बारिश आ ही रही थी। बैलों को ले जा रहे हैं हम गाँव के रास्ते, तो जो पीछे वाला बड़ा वाला बैल है वो वैसे नहीं आता, इसलिए उसको उस पर रस्सी बांध रखी हमने। खेत में आने के बाद ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो अभी यहाँ ठंड लग रही है। इधर साइड तो हल्का बहुत ओस भी गिरे हुए हैं, लेकिन हमने लगाना शुरू कर दिया है। मैं जा रहा हूँ एक छिटका लेने बैलों के लिए, क्योंकि कल छिटका नहीं था, तो कल वो ऊपर नीचे करते जैसे बहुत पहले करते वैसे करते, इसलिए एक डंडा लेना पड़ेगा उनके लिए, फिर जाएंगे उससे। अभी हम खेत में हैं, और इस समय यहाँ पर दो बैल हैं, हल वाले एक और दो, ये नीरज है, नीरज लगा रहा। तो ये जब से खेत में है तब से लगी है उस गाय के बच्चे के पीछे, और अब शर्म के मारे वो घर जाने बैठ गई है। मैं आ रखा था यहाँ ऊपर घर में पानी पीने, क्योंकि पानी का डब्बा मम्मी ले गई घर। तो यहाँ आके ये देखो, ये सारे प्याज हैं, तो कितने सारे प्याज हो रखे हैं। और ये मैं आज देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज ही आ रहा, होली के बाद आज आ रहा इस चौक में। ये हो रखे हैं प्याज, और इधर भी ये मिर्ची और लहसुन के, और इधर भी फ्रांस बीन पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत कमाते हैं, इसलिए यहाँ इतने अच्छे हो रखे हैं। ये रहे प्याज के सारे पेड़, प्याज ही प्याज हैं ये पूरे। ये जैसे गदरे से आए वैसे गीले कपड़े हैं उसके, और सीधा फोन पे लगी हुई है, तो इसके कपड़े काफ़ी गीले हैं। ये गई थी वो शो निकालने, वहाँ से आए भीग के, और अभी ये है इसके लक्षण। ये सुधरने वाली नहीं है, इसको कितना भी बोलो ये नहीं सुधरेगी। शाम के 4 बज गए, और अब हम जा रहे हैं खेत में मैं डालने। ये हमारी माता सिर्फ निकल गई है घर से, और पापा मैया लेके चले गए हैं गौशाला में, और अब हमारी बारी है। मेरे हाथ पैर थमारे, क्योंकि एक पेड़ भी काटना है, नौकर बना के रखा है इन्होंने, पेड़ काटने वाला जिसे कह सकते हैं हम। गौशाला में हमारी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो एक ये है, फिर मम्मी है, और दो अंदर अभी गोबर निकाले, कल उन्होंने टीन शर्ट का निकाला, आज यहाँ का निकाल लिए, तो दोनों दो छुप गए हमें अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये रहे हमारे गोबर निकालने वाले, ऊपर में लाल लाल दिखाई दे रहे, तो ये है गोबर निकालने वाले। और पापा चले गए खेत में मैया लेके, और अब हम भी वहीं जाएंगे। एक तो इनकी आवाज़, हाँ आज जोर से चलो आज गौशाला में, इसलिए आए थे हम पानी पुनी भरने, और जो भी है रस्सी धागा जोड़ा मोड़ा सब ले जाने, तो वो ले जाएंगे हम। और एक इन्हें देखे, ये परसों आए और आज ही गोबर निकालने लगे, बिया निकाल देते हम, बिया निकाल देते हम, कोई जन नहीं है। एक खेत हमने कंप्लीट कर दिया, और ये दूसरा खेत है, काफ़ी बड़ा खेत है ये, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे बोलते हैं हम मैया। एक आदमी खींचेगा एक दबाएगा, फिलहाल यहाँ पे हो रहा है रेस्ट। इस 5 बजे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही, बोले तो गर्मी। और अभी तो काफ़ी लंबा खेत बचा है हमारे पास, इतना लंबा खेत यहाँ से लेकर और सीधा उस किनारे तक। तो अभी टाइम करीबन के 5 बज गए होंगे, धूप तो अभी यहीं है। कुछ इस प्रकार डाला जाता है मैया, तो एक खींचता है दूसरा दबाता है, और जो इससे माने कि मिट्टी खुदती है वो ऐसे खुदती है। फिलहाल तो ये पूरा खेत हमें इसी बार कंप्लीट करना होगा, टाइम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी तो मम्मी और पापा खींच रहे, मम्मी खींच रहे, पापा दबा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मेरी बारी, क्योंकि मैं पसीने से लथपथ हो गया। भी अभी डूबा नहीं है वो, तो सूरज अभी ऊपरी धार में है, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी तक हमने आधा खेत लगा दिया और आधा खेत बचा हुआ है, तो ये खेत यहाँ तक है, जहाँ तक मैं आ रखा हूँ यहाँ तक है, वहाँ से यहाँ तक, और अभी जहाँ पे पापा बैठ रखे वहीं तक लगाए। और ये इस पर भी लगेंगे करीबन कि आधा घंटा तो लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए 1 घंटा पूरा हो गया है। मैया डाल के हमने कंप्लीट कर दिया है, और अब बारी है पेड़ काटने की, तो वो वाला पेड़ है उसके 4 टहनियाँ काटेंगे हम। और पापा तो जाएंगे घर, लेकिन मम्मी और मैं जाएंगे घास का भरा लेके, तो हम चलते हैं पेड़ काटने। मैया डाल के हमने तो नीचे कंप्लीट कर दिया, और अब बारी है ऊपर की, ऊपर जा रहे हैं हम। तो रास्ते में मिली हमें एक नमूनी, तो ये ला रही है घास का भरा। माँ जी बोले सिमसोर जो लेके बोलो चपड़ा बड़ा, तब जाएंगे हम ऊपर। पापा उस रास्ते चलेंगे, मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने दराती वगैरह रख रही थी नीचे पे,
सार में मैया पूरा डाल दिया। अब करीबन के हमारे 2 या 3 खेत बचे हुए हैं तो उन्हें कल या परसों में डाल देंगे। और अभी मैं जाऊंगा नीचे गौशाला में क्योंकि बकरी आने वाली है, उनको पानी भरना है पीने लिए, तो मैं पहले गौशाला चलता हूँ। शाम भी हो गई है और हमने आराम भी कर लिया और हमसे मिलने आ गए हैं हमारे परम प्रिय मित्र नीरज जी। पहले ये बात राज को बोला जाता है लेकिन राज हमसे दूर चला गया क्योंकि राज अब अलग चला गया, वो पता नहीं कहाँ गया, हमें भी नहीं बताया उसने। तो फिलहाल नीरज आ गया, हम यहाँ पर बैठ के थोड़ा गप्पे लगाते हैं जो हमारा पहले का काम है। धीरे धीरे शाम भी होने लग गई है और अंधेरा भी होने लग गया है। हमारे गौशाला वाले तो अभी घर नहीं आए क्योंकि अभी गौशाला में ही नहीं पहुँचे तो घर कहाँ जाएंगे। अभी मैं भी गौशाला में, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।